बाबा ने कहा, भविष्य में अर्थात भक्ति मार्ग में कौन सी आत्माएं कितने गायन योग्य और कितने पूजन योग्य बनने वाली हैं, इन सब बातों का आधार अभी वर्तमान की स्थिति पर है। तो हर एक अपने को देखे कि इस समय मुझ आत्मा को सभी आत्माएं अथवा जो भी संपर्क में आते हैं तो क्या वह श्रेष्ठ अर्थात पूज्यता की नज़र से देखते हैं। अगर अल्प आत्माएं ही पूज्य अनुभव करती हैं तो यह वर्तमान स्थिति ही सारे भविष्य का आधार है। बाबा ने कहा, ऐसी पूज्य और गुणगान करने वाली ज्ञानी व योगी आत्माएं कहाँ तक बने हो, ये अपनी जांच करो। तो इसके लिए हर एक को अपने अंदर कुछ चेकिंग करनी है, जैसे क्या हम सर्वगुण संपन्न बने हैं या सिर्फ गुण संपन्न ही बने हैं, गुणों के गायन का पलड़ा भारी है या साधारण चलन का पलड़ा भारी है। फिर दूसरी चेकिंग ये करनी है कि क्या हम सिर्फ कल्याणकारी बने हैं या विश्व कल्याणकारी बने हैं। और तीसरी चेकिंग, मन वाणी या कर्म द्वारा हर सब्जेक्ट्स का खाता कितना जमा किया है। अगर अब चेक करेंगे तभी संपन्न बनने के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकेंगे। अभी तो फिर भी कुछ समय है, लेकिन कुछ समय के बाद ही ये संपन्न बनने का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर तो संपन्न बनी हुई आत्माओं को ही देखने वाले बनेंगे, सीट लेने वाले नहीं बन सकते। इसलिए आज ही ये निर्णय करो कि हमें खुद साक्षात्कार मूर्त बनना है या औरों का साक्षात्कार करने वाला बनना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।